ज्योतिष के तमाम दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आप सबके साथ आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। बिना समय गवाए हम लोग फटाफट आज के मुख्य बिंदु पर चलते हैं। आज आपके साथ मैं बात करूंगा शनिदेव की मार्गीय होने की स्थिति को लेकर। दर्शकों, यूं तो समय समय पर ग्रहों का जो परिवर्तन है वो होता रहता है, लेकिन उसमें शनिदेव का राशि परिवर्तन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव एक राशि पर बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं। ऐसे में जब भी वो मार्गी और वक्री होते हैं उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है, या तो सबसे तीव्र गति से जो संचरण करते हैं उनका प्रभाव, या मंद गति से जो चलते हैं उनका प्रभाव ज्यादा अहम हो जाता है। ऐसे में शनिदेव यहां पर जब राशि परिवर्तन करेंगे तो मेष से मीन राशि पर्यंत सभी राशियों के लिए क्या उसका फल रहेगा, क्या रिजल्ट रहेगा। कुछ राशियों के यहां पर बहुत अत्यधिक मात्रा में उनको सफलताओं के योग बनेंगे। कई इस प्रकार की इंडस्ट्रियां हैं जिनमें उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छे धन प्राप्ति के योग बनेंगे। यहां तक कि बहुत सारे लोग अपार संपत्ति लाखों करोड़ों को जो है समय ही जुटा लेंगे। उसमें कई लोगों की साढ़े साथी भी चल रही है, लेकिन फिर भी उनको अपार लाभ होगा। कैसे होगा वो आपको सबको बताऊंगा। दर्शकों, यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि लगातार ही आपको ऐसे कार्यक्रम मिलते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आइए फटाफट चलते हैं और देखते हैं क्या स्थितियां बनने वाली। 11 अक्टूबर का दिन रहेगा, प्रातः 7:45 पर यह मार्गी हो जाएंगे। अभी तक जो शनि की स्थिति थी वो वक्री गति चल रहे थे, ऐसे में बहुत सारे लोगों को अच्छा परिणाम भी मिला, लेकिन बहुत सारों को इसमें नकारात्मक फल भी प्राप्त हुए। अब खास बात एक यहाँ पर और भी समझने की है, थोड़ा सा बहुत सामान्य है, वापस समझ पाएंगे। और एक चीज और मैं आप निवेदन करूंगा, अगर आप सीधा अपनी राशि को सुनते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, खासकर जब भी मैं कोई कार्यक्रम लेकर आपके लिए आता हूं तो आप प्रारंभिक के 2-4 मिनट तो कम से कम सुनी लें। उससे क्या होगा कि आप जो भी अपनी राशि पर सुनेंगे वहां आपको इन सब बातों के अनुरूप ही बात समझ में आने वाली है। तो देखो, जिन लोगों को वक्रीगत अवस्था के अंदर बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं उनके लिए भगवान शनि का मार्गी होना बहुत ही शुभ और लाभदायक होगा। थोड़ा और हम इसमें जो है परिवर्तन कर लेते हैं, ये बहुत सामान्य बात बता रहा हूं। वैसे तो ये अपने देखो सब लोगों को राशियां, तो मान लो मेष राशि की बात करेंगे तो बहुत पता नहीं कितने लोगों की मेष राशि हो, लेकिन आपकी कुंडली में, आपकी मेष राशि है, आपकी कुंडली के अंदर क्या पोजीशन है ग्रहों की, शनिदेव कहां बैठे हैं, क्योंकि हम केवल शनि के मार्गी होने पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, आपकी कुंडली का फलादेश नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी होता है कि नहीं यार हमारे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं। तो आप अपनी कुंडली का उसमें अध्ययन करें या अध्ययन करवाएं कि हमारे को लाभ कितना मिलेगा, किन किन चीजों पर मिलने वाला है। वैसे मैं इस पर तो चर्चा करूंगा कि क्या क्या फील्ड रहेंगे जहां लाभ प्राप्त होगा। तो इसीलिए जो प्रारंभिक अवस्था है 2-4 मिनट उसको जरूर सुने। अब यहां पर हमें सबसे पहले समझना होगा कि शनिदेव जब मार्गी होंगे तो जिनको वक्री होने पर लाभ नहीं मिला, कष्ट उनको मिलता रहा, अपने कारोबार में घाटा का कहीं ना कहीं जो है उनको मुंह देखना पड़ा, तो ऐसे लोग को फायदे की ओर अब जो है शनि लेकर जाएंगे। दूसरा एक और चीज है, जिन लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उनको जो है किस हिसाब से मिला, शनि की क्या उसमें भूमिकाएं थी, लेकिन अब हम चल लेते हैं सीधा आपकी राशि की ओर। मैं आपको बता चुका हूं, मैं थोड़ा सा ये भी आपको बताता हूं कौन कौन से फील्ड होंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्रियां होंगे जहां आपको ये तमाम लाभ मिलने वाले होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि लोहे से संबंधित कोई भी काम हो, लोहे से संबंधित कोई भी कार्य हो, उसमें यहां पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। ये यहां पर जो है शनि उनके लिए लाभ लेकर आएंगे। अगर आपका पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ कहीं भी कोई फील्ड है तो आपको वहां पर जो है कार्य में आपको लाभ मिलेगा। मान लो आपका पेट्रोल पंप है, या पेट्रोल पंप पे आप काम कर रहे हैं, या पेट्रोलियम से संबंधित कंपनी के अंदर आप जो है किसी भी तरह से आप वहां पर इन्वॉल्व हैं, तो पेट्रोलियम से जुड़े हुए लोगों को अच्छा लाभ होगा। एक चीज मैं और बता देता हूं, कोई भी टेक्निकल फील्ड है, मैकेनिकल फील्ड है, अगर उसमें आप काम कर रहे हैं तो आपको इसमें लाभ होगा। तकनीकी जितनी भी चीज है, चाहे वो कंप्यूटर से संबंधित हो या फिर हार्डवेयर से संबंधित जो बड़े असेंबल वाले कार्यक्रम होते हैं, पार्टों को असेंबल करके जो है सेल परचेज का कार्य होता है, इन तमाम चीजों के अंदर। और इसके साथ साथ आप ये मान लें कि केमिकल तो मैंने आपको बता ही दिया है,
इसके साथ में एक चीज और है, जैसे अल्कोहल का जो कार्य है उसमें यहां पर अच्छा लाभ मिलेगा मेडिकल के क्षेत्र में। इसी के साथ साथ जो शराब इत्यादि का कार्य जो होता है वहां पर भी इसमें लाभ मिलेगा, तो उसमें भी अल्कोहल होता है, ठीक है। और जो कट्व है, अम्ल है, इस प्रकार के पदार्थ जो होते हैं उसमें इसको लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग कृषक होते हैं जो इस प्रकार की खेती करते हैं, है ना, तो उनको भी इसमें लाभ की स्थिति हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन का आपका बिजनेस है क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी इसके अंडर में आता है, उसमें इसमें अच्छा लाभ मिलेगा। हायर एजुकेशन आप लोग ले रहे हैं तो उसमें भी यहाँ पर आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें जहां आपको अच्छे लाभ के संकेत दिखाई देंगे। अब हम सीधा मेष राशि की ओर चल लेते हैं। देखिए मेष राशि के लिए आपके दशम भाव के अंदर संचरण करेंगे और एकादशेष बन करके करेंगे, बड़े ध्यान समझना। तो मेष राशि वालों के लिए यह वक्री से मार्गी होना भगवान शनि का अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि लाभेश बन करके एकादश के लॉर्ड बन करके आपके दशम भाव केंद्र में आएंगे, तो जहां राजयोग का निर्माण होगा वहां साथ ही साथ आपके एकादशेश बनकर आएंगे, अत्यंत लाभ होगा। आप अपनी कुंडली में देखें, अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि वर्गोत्तम स्थिति में है या वो जो है अभी उच्चाभिलाषी होकर बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में या स्वग्रही होकर के बैठे हैं, मान लो 30 साल के बाद पुनः योग चल के आया या 60 साल के बाद पुनः योग चल के आया और मकर में ही आपका जन्म हुआ था जब शनि बैठे थे, आज भी वो मकर में है और मार्गीय हो रहे हैं, तो आप ये मान के चले कि आपके लिए यहाँ पर शनि अत्यंत जो है बड़ी मात्रा में यहाँ पर आपको लाभ के संकेत लेकर आ रहा है, ठीक है ना। अब आपकी पात्रता है भाई, वर्षा तो प्रचुर मात्रा में होगी लेकिन आप कितना उस पर जो है उससे संग्रह कर पाएंगे, इसलिए अपने पात्र को भी आप बढ़ाएं, उसकी क्षमता उसकी कैपेसिटी को आप बढ़ाएं, जितनी इसमें जो है क्षमता होगी जितनी पात्रता होगी उतना ही आपको इसका लाभ मिलेगा। उपाय आपको क्या करना है, शनिदेव को नियमित रूप से प्रणाम करना है और कुछ भी नहीं। वृषभ की बात कर लेते हैं, तो वृषभ के हिसाब से देखा जाए तो नवम भाग्योदय, टेंथ हाउस के लॉर्ड बनकर के कहां बैठेंगे, नवम भाव के अंदर, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति यहां पर हो रही है, तो इसलिए आपके लिए भी यहां पर बड़ा अच्छा ये जो है गोचर यहां पर आपके लिए फायदा लेकर के आएगा। वृषभ राशि के जातक, यदि आप कहीं ना कहीं केमिकल में आप काम करते हैं, कोई केमिकल से जुड़ा फील्ड है आपका, ट्रांसपोर्ट का कोई बिजनेस है या फिर आप शराब इत्यादि के कहीं इस फील्ड में आप जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, मेडिकल का कोई क्षेत्र आपका है, तो आप इन तमाम चीजों में केमिकल हो, मैकेनिज्म हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, या फिर आप कंस्ट्रक्शन आदि से भी जुड़े हुए हैं, लैंड आदि का आप जो है सेल परचेज करते हैं, तो इन सभी चीजों के लिए वृषभ वालों के लिए यहाँ पर अत्यंत शुभ रहेगा। तृतीय राशि हम मिथुन की बात कर लेते तो आपके एट्थ हाउस के अंदर रहेगा, यहाँ पर शनि आपके आयु कारक होंगे क्योंकि अष्टम में शनि आपकी आयु वृद्धि करते हैं, ठीक है, सेवंथ के लॉर्ड बनकर के आएंगे, तो अच्छा है कुल मिलाकर के आपके लिए भी यहाँ पर अच्छे संकेत है, मार्गी हो ही रहे तो अच्छा संकेत है। अब कर्क राशि की बात कर ले तो सेवंथ हाउस के अंदर विराजित होंगे, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को भी कई सारे मामलों में देखा जाए तो सप्तम भाव में स्थान वृद्धि करो शनि, दाम्पत्य जीवन में वृद्धि करेंगे, अगर पूर्व से कोई नोकझोंक की स्थिति, कोई वाद विवाद की स्थिति, तो शनि वहां पर उसको सुलझाएंगे, आपकी सोच और सकारात्मक पॉजिटिविटी आपके अंदर बनी रहेगी और वही आपको आगे तक लेके जाएगा। धन के मामले में बात करें तो प्रचुर मात्रा में यहाँ आपके लिए अच्छे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको उपाय क्या करना है, उपाय के लिए आपको सिर्फ इतना है कि आप प्रातःकालीन कच्चा दूध और जल से भगवान शिव को अभिषेक कराएं, सायंकालीन शनि चालीसा आदि का पाठ करें, पीपल पर आप जाकर के दीपक जलाएं, वो भी सरसों का तेल का, संध्या होने पर। अगर हम सिंह राशि के हिसाब से बात करें तो आपके सिस्टम भाव के अंदर विराजित होंगे, अगर आप किसी प्रकार का कोई फाइनेंस लेना चाह रहे थे, कोई कर्ज आप उठाना चाह रहे थे और उसमें अनुकूलता नहीं बन रही थी या कोई डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो आपको यहाँ पर अब आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, किसी प्रकार से शत्रु आदि से पीड़ित थे, कोई यहाँ पर टेंशन की स्थिति बनी भी थी, तो यहाँ पर शत्रु आपके परास्त होंगे और आपकी विजय हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें कन्या राशि की तो ये पंचम भाव के अंदर रहेंगे, जहाँ थोड़ा सा संतान पक्ष को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन वहीं आपका एजुकेशन का फील्ड मजबूत होगा, चाहे बेसिक एजुकेशन है चाहे हायर एजुकेशन है, शनिदेव इनको जो है यहाँ पर प्रचुर मात्रा में अच्छा लाभ देंगे। बस उपाय आपको क्या करना है, शाम के समय में हनुमान चालीसा का पाठ करना है नियमित रूप से,
कम से कम एक पार्ट तो करना ही, हो सके 5 पार्ट 11 पार्ट करें तो बहुत अच्छे हैं। जो लोग उच्च जो है शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं और नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर अचानक से बहुत सारे इस प्रकार की उनके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर के शनि आएंगी कि वह निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं सातवीं राशि यानी तुला की, तो आपके चतुर्थ भाव के अंदर यहाँ पर राजयोग का निर्माण कराएंगे। सस महापुरुष पंच महापुरुष योगों के अंतर्गत आता है यह। आपके केंद्र चतुर्थ भाव में जब इनका निर्माण होगा, आप ये मान कर चले वाहन का सुख, भूमि का सुख, कोई भी आप यहाँ पर जो है चीजों को संग्रह करना चाह रहे थे, लंबे समय से चाहे व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही थी, तो भी यहाँ पर आप व्यवस्था बनेंगे और आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। करना क्या, आपको नियमित रूप से शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना है, शनि पाठ शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ करें, और बहुत अच्छा तो रहेगा कि यदि आप सुंदरकांड का भी पाठ करें। शनि यहाँ पर छप्पर फाड़ के देगा, आप ये निश्चित माने अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि अच्छी स्थिति में बैठे तो यहाँ पर आपकी बल्ले बल्ले। वृषभ की बात वृश्चिक की बात कर ले तो थर्ड हाउस में यह स्थिति बनेगी, यहाँ पराक्रम बढ़ेगा, थोड़ा हो सकता है मनमुटाव की स्थिति भाई बहनों के साथ, पारिवारिक लोगों के साथ या फ्रेंड सर्किल में, तो थोड़ा नोकझोंक की स्थिति बन सकती है, थोड़ा सजग रहना है। वाणी पर संयम रखें, यह आपके लिए हथियार बनेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको करना क्या है, नियमित रूप से शाम को बजरंग बाण का एक पाठ करना है, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु की बात कर ले तो यानी द्वितीय भाव के अंदर होगा, अब यहां पर तो अपार धन की संभावना है। आप ये मान के चले अगर पैतृक संपत्ति का भी कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा था, कोई विवाद की स्थिति थी, तो ये भी लौट करके आएगा, कोई गया हुआ धन था वो भी लौट करके आएगा, शेयर मार्केट में निवेश किया था वहां से भी अच्छा लाभ हो सकता है। और अगर आप लोहे से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, पेट्रोलियम है या फिर मैकेनिज्म है या फिर केमिकल का कोई वर्क है या ट्रांसपोर्टेशन का कोई वर्क, तो यहाँ पर आपको छप्पर फाड़ करके जो है धन की स्थिति आपके लिए प्रबल बनने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। बस आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि बेहतर होने चाहिए और उनका प्रेफरेंस वर्तमान में बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा। अब हम बात कर लेते हैं दशम राशि का, तो दशम राशि का मेष यानी प्रथम भाव के अंदर होगा, क्योंकि आपकी उसमें ही मार्गी हो रहे हैं, तो राजयोग की स्थिति तो बनेगी, लेकिन धनेश बनकर के सेकंड हाउस के लॉर्ड बनकर के भी आएंगे, तो आप ये मान के चले आपके लिए भी अति उत्तम यहां पर रहेगा, चारों तरफ से धन मिलेगा, मिट्टी में भी हाथ मारेंगे तो सोना बन के निकलेगा, लेकिन तब जब कुंडली के अंदर शनि बहुत अच्छे बैठे हों। उपाय मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, प्रातःकालीन आपको कच्चा दूध और गंगा जल मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना है, सुबह अगर हो सके तो पीपल को आप गंगा जल आदि से सिंचन कर लें, वहां पर उनका उनके जल वहां पर जो उनको डालें, और शाम को जो है दीपक के शनिदेव को जला लें, तो बल्ले ही बल्ले यहां पर है। अब कुंभ की बात कर ले तो इनका द्वादश में चला जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है, खर्च बढ़ाएंगे, आमदनी के भी स्रोत बनेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको संतोष करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कोई ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है। मीन के हिसाब से देखा जाए तो आपके 11th हाउस पर यह स्थिति रहेगी, अगर आप कोई भी सलाहकार किसी प्रकार की सलाह आप दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप वकालत की फील्ड में है या आप जो है CA के फील्ड में है, तो आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लेकर के शनि आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए भी यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन रहेगा शनि का। उपाय आपको क्या करना है, केवल शाम को 5 पाठ हो सके तो हनुमान चालीसा का करना है, आपके लिए इसी में बहुत कुछ हो जाएगा।